बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई है। बिहार सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि राज्य सरकार के 5 लाख कर्मचारी इस काम को पूरा करेंगे। मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत सर्वे को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से मुखर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी समय समय पर जातिगत जनगणना पर बात करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के लिए पहले ही मना कर चुकी है। जातिगत जनगणना का मामला पहले भी उठता रहा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यूपीए हो या एनडीए, कोई भी सरकार इसके पक्ष में नजर नहीं आती है। जाति आधारित आंकड़ा जारी करने से सभी सरकारें हिचकिचाती हैं। एक बात और है कि सरकारों को सबसे ज्यादा समस्या ओबीसी आबादी के आंकड़ों को प्रकाशित करने में होती है। दरअसल नीतीश सरकार ने पिछले साल 2 जून को जातिगत सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या, 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, जो 31 मई को पूरा होगा। यह अलग बात है कि इसे जातिगत जनगणना नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें जाति संबंधित जानकारी जुटाई जाएंगी। अब जानिए जातिगत जनगणना का इतिहास। जाति आधारित जनगणना की बात करें तो 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जाति आधारित डाटा जुटाई गई थी, लेकिन इसे प्रकाशित नहीं किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 1991 से 2011 तक एससी और एसटी का डेटा तो दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों के डेटा की किसी ने बात नहीं की। मंडल कमीशन के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई, खासकर उत्तर भारत की। मंडल कमीशन के वक्त ओबीसी आबादी का आंकड़ा 52% बताया गया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मंडल कमीशन से 1931 की जनगणना को आधार माना गया था। जाति आधारित जनगणना की मांग समय समय पर होती रही है। भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे ने भी ये मुद्दा 2010 में संसद में उठाया था। यही नहीं, 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार ने माना था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित किया जाएगा। हालांकि सरकार अपने पिछले वादे से संसद में ही मुकर गई। अब जानिए जातिगत जनगणना पर इतना विवाद क्यों है। भारत में आज भी जाति एक सच्चाई है, और राजनीति में जो वोट बैंक का जिक्र किया जाता है उसका संबंध कहीं ना कहीं जाति से है। मुलायम और लालू को अगर यादवों का नेता कहा जाता है तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति के नेता माने जाते हैं। मायावती को दलित नेता के तौर पर देखा जाता है। जाति आधारित जनगणना से सभी जातियों की संख्या सामने आएगी, और इसका असर देश की राजनीति पर भी व्यापक रूप से पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम ओबीसी जाति की ही बात करें तो इस जाति की संख्या घटकर 40% हो जाती है तो देश के ओबीसी नेता इसे मानने से इनकार कर देंगे। वहीं अगर ओबीसी जाति की आबादी मान लीजिए 60% होती है तो फिर ओबीसी के लिए और ज्यादा आरक्षण की मांग की जाएगी। इसी तरह आबादी का आंकड़ा सबके सामने आएगा और इनकी राजनीति में भी व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। यही कारण है कि केंद्र में आने वाली सभी सरकारें इस मुद्दे से अक्सर बच के चलती हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जो शुरू किया है उसकी धमक महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। मुमकिन है कि अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो देश की सभी पार्टियों को इस बात का अंदाजा है कि 2024 आम चुनाव में ये मुद्दा राजनीति के सारे समीकरण बदल कर रख सकता है। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।